हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और हमारे चैनल का नाम है स्किल वीआर नंबर वन। और एक और भी चैनल है दोस्त यूट्यूब पे, चंडीमा टेक चैनल। मैं दोनों चैनल पे क्या है, हमेशा से एक टेक्निकल इक्विपमेंट पे वीडियो लाता हूं, आईटी इक्विपमेंट पे, चाहे वो कलर फोटोकॉपियर मशीन हो, कोई सी भी कंपनी का हो दोस्त, कोई सा भी मदरबोर्ड हो, कंप्यूटर हो, स्विच हो, फायरवॉल हो। देखिए, आज आपके पास मैं एक मदरबोर्ड लाया हूं, MSI का मदरबोर्ड है दोस्त। इसके अंदर कभी भी क्या है, आपका नो डिस्प्ले का इशू आता है। ये फैन वगैरह चलेगा, SMPS आपका मूव होगा, बट नो डिस्प्ले का मैसेज आता है। तो आपको क्या क्या चेक करना है स्टेप बाय स्टेप, इसके बारे में मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। सबसे आपको फर्स्टली क्या करना है, इसमें आपको ये जो रैम दिख रहा है ना दोस्त, रैम को पहले खोलना है और रैम को क्लीन करना है। क्लीन करके ये रैम स्लॉट है, ठीक है, इसको आप साफ करें। मैं बेसिक से बताता हूँ एक एक। साफ करने के बाद आप रैम को लगाएं और आपको ध्यान क्या रखना है, जो हार्ड डिस्क का केबल होगा ना, साटा वाला और पाटा वाला, देखिए ये साटा केबल है, तो इससे क्या है, डाटा के लिए हार्ड डिस्क में गया हुआ रहता है और SMPS से उसको क्या है, पावर देते हैं। तो आप दोनों केबल को हार्ड डिस्क से निकाल लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको मदरबोर्ड को बार बार ऑन करने का ज़रूरत पड़ा और अगर ये ऑन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, आपका जो हार्ड डिस्क के अंदर या SSD के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जिसको कि हम विंडो बोलेंगे, चाहे 11 हो, 10 हो, 7 हो, 8 हो, कुछ भी हो, तो वो क्या है, करप्ट हो जाएगा। सबसे पहले उसका केबल निकालने के बाद रैम निकालें, रैम निकाल के बाद रैम को डालें, डालने के बाद कंप्यूटर को ऑन करें। ऑन करने के बाद देखें डिस्प्ले आया, फिर पता चला आपको डिस्प्ले नहीं आया, फिर आपको क्या करना है, रैम को चेंज करना है। जैसे ये रैम है आपका, अब ये पहचानेंगे कैसे दोस्त, कि DDR1 है, DDR2 है, देखिए यहीं पे लिखा रहता है। एक तो आप स्पीड से पकड़ सकते हैं, ये देखिए 4 GB का रैम है, ये DDR2 है, देखिए 2RX लिखा भी है, और पिन से भी पकड़ सकते हैं। जो DDR2 होता है ना, उसमें क्या होता है कि ये जो पिन है, ये थोड़ा लेफ्ट साइड का होगा और ये लेफ्ट साइड का, ठीक है, और दोनों साइड क्या होगा, एक एक पिन का गैप होगा। मतलब देखिए इधर ये जो पिन है ना, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। तो ये रैम को पहचानने का देसी तरीका है। और DDR3 में क्या होगा, रैम बिल्कुल यहाँ पे होगा, इधर राइट साइड में, और एक साइड का एक पिन का गैप होगा। DDR2 में तकरीबन मिडिल में होता है, ये देखिए मिडिल में है, एक एक पिन का गैप है, ठीक है। तो ये DDR2 रैम है, तो DDR2 ही मार्केट से लाए, डालें, फिर देखे डिस्प्ले आया, फिर भी आपको लगा डिस्प्ले नहीं आया, तो अब की बार क्या कर रहा है, इतना कन्फर्म हो गया कि रैम जब नया डाल दिए तो रैम का इशू नहीं है। अब चलिए क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप की ओर चलेंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले CMOS बैटरी को खोलेंगे। इस बैटरी को खोलने का तरीका बहुत आसान है, ठीक है, इसको कुछ नहीं करना, एक ऐसे कोई सा पतला सा ट्यूजर लेना, यहाँ पे इसको प्रेस करना है, देखिए ये बैटरी आपका निकल जाएगा। कभी कभी कोई कोई मदरबोर्ड में क्या होता है दोस्त, अगर आपका CMOS बैटरी डेड हो जाएगा ना, तो फिर BIOS बूट नहीं करता है। आप क्या करें, देखिए इसका देसी तरीका तो ये है दोस्त, कि इसको आप मल्टीमीटर से इसका वोल्टेज को चेक कर लें, ठीक है। लेकिन अगर कोई कारणवश अगर आपका वोल्टेज चेक नहीं हो पाता है, तो एक मैं आपको देसी तरीका बताता हूँ। सबसे पहले देखिए मैं आपको वोल्टेज टेस्ट करके ही बता देता हूँ, पूरा एक एक बेसिक तरीका बताऊंगा कैसे चेक कर सकते हो। देखिए ये डेडी है, ये आना चाहिए 5 वोल्ट आ रहा है 2.5 वोल्ट, मतलब ये हाफ बैटरी वो है, खत्म है ये। तो आप क्या करें, इसमें CMOS बैटरी दूसरा लगा दें, नहीं तो नहीं लगाएंगे ना, तो बिना बैटरी का इसको ऑन करके देखें, फिर देखिए ऑन हो रहा है, रैम लगा दें। रैम लगाने के बाद, रैम लगाने का सिंपल तरीका क्या है, लगाने के बाद ना दोनों साइड ऐसे प्रेस करेंगे तो ये अपने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, रैम का आपको चेक करना है। चेक करने के बाद आपको ये बैटरी बिना लगाए एक बार टेस्ट करें, फिर देखें डिस्प्ले आया नहीं आया, फिर आप ये नया वाला इसमें बैटरी डाल दें। और इसका एक देसी तरीका क्या है ना, ये 5 वोल्ट का है, तो इससे क्या है, कोई आदमी मरेगा नहीं। इसको आप जीह के ऊपर ऐसे है ना, इस वाले भाग को थोड़ा सा टच करेंगे ना, तो ये थोड़ा सा आपको करंट जैसा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा, बट ऐसा करें ना, लेकिन मतलब इसमें कोई मर नहीं सकता, ये 5 वोल्ट है, तो आपको उससे भी समझ में आ जाएगा कि चार्ज है या नहीं चार्ज है। तो चलिए इसको भी आप बदल लिए, नया लगा लिए, फिर भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है, फिर क्या करेंगे, फिर हम इस प्रोसेसर को खोलेंगे। इसको खोलने के लिए इजी तरीका है, देखिए यहाँ से इस केबल को निकालें, निकालने के बाद इसका बैक साइड में ना, इसमें तो है नहीं दोस्त, किसी ने खोला होगा ये, इसमें एल्युमिनियम का एक चारों साइड वो होता है, इसी के अंदर लॉक फंसा होता है, ठीक है। और ये देखिए घुमाने वाला है, इसको आप एक साइड से घुमाएंगे तो लॉक होगा, एक साइड से उठाएंगे तो ये सारे चारों साइड को आप ऐसे ऐसे उठाएंगे तो ये निकल जाएगा। निकलने के बाद आप देख लें कि इसमें हीट सिंकिंग वगैरह सूखा हुआ तो नहीं है, फिर इसको यहाँ से लीवर को ऊपर करेंगे और देखिए इस प्रोसेसर को आराम से निकाल लें,
इसके अंदर भी दो टाइप का प्रोसेसर होता है दोस्त, एक होता है लाइन गिड अरे, एक होता है पिन गिड अरे। एक में क्या होता है फेमल वाला, इसके अंदर क्या है पिन होता है। उसके बाद क्या है? इस प्रोसेसर को खोलें और इसके अंदर क्या होता है ना पिन वाला होता है, पिन गिड अरे टाइप का होता है। तो इसमें क्या है ये देखिए, ये है नहीं ये। फिर इसको थोड़ा सा इसको साफ कर दें, साफ करने के बाद इसको लगाएं, ये देखिए एज इट इज लगा दें, ये लॉक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लॉक करने के बाद फिर भी डिस्प्ले ना आए, फिर आप क्या करना है दोस्त, ये देखिए ये होता है एक, इसके अंदर दो ब्रिज है ठीक है, ये है नॉर्थ ब्रिज, ये है साउथ ब्रिज, और नया वाला में क्या आ गया ACH ICS टेक्नोलॉजी आ गया। तो आप क्या करेंगे, आपको इसको भी खोलना है यहाँ से, ये आसानी से इधर से खुल जाएगा। इसको प्रेस करेंगे ना, इसकी भी हीट सिंकिंग को लगा के थोड़ा हीट बॉयलर से गर्म करना है, गर्म करने के बाद देखें डिस्प्ले आ रहा है, अगर फिर भी ना आए तो फिर समझ जाना कि कोई कंपोनेंट का इशू है दोस्त, फिर आपको ये पूरा मदरबोर्ड को खोलना पड़ेगा, जैसे ये कंपोनेंट चेक करने पड़ेंगे। इसका भी मैं आपको एक बार फुल पूरा बताऊंगा कि कैसे इसका रैम वाला चेक करेंगे, ये कैपेसिटर का काम क्या है, डिस्प्ले में कौन सा मतलब ज़्यादा कंपोनेंट है कि वो खराब होने से वो आता है ठीक है, इसका बायोस चिप कौन सा है, पूरा मैं एक एक करके आपको वीडियो बनाऊंगा, अभी वीडियो लंबा हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप यूजर के लिए इतना ही है दोस्त, आप इतना टेस्ट करें, अगर इससे नहीं हो रहा है तो फिर समझिए आपको कोई मैकेनिक का हेल्प लेना पड़ेगा, फिर आपसे यूजर से ये फॉल्ट डिस्प्ले का ठीक होने वाला नहीं है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है दोस्त, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू, धन्यवाद।